नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 23 अगस्त 2021 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी और खुशखबरी। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे DLED 2019 बैच और फेल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है और सबसे ज़्यादा बच्चों में टेंशन क्या थी आपको बता दें, वो टेंशन थी नई शिक्षक भर्ती। फिलहाल दोस्तों, आज की डेट में नए शिक्षक भर्ती का अभी कोई अता पता नहीं है। इससे दोस्तों, जो बच्चे 2019 बैच के और जिन बच्चों की बैक लगी, चाहे वो 2017 बैच के छात्र हों चाहे 2018 बैच के, तो गाइस इन बच्चों को भी अब नई भर्ती पे मौका मिलेगा, ये बात कंफर्म हो चुकी है। पिछली बार आपको दोस्तों बता दें, जब BTC 2015 बैच दोस्तों क्लियर हुआ था, उस समय कुछ बच्चों की बैक लग गई थी, जिस कारण से वो बच्चे 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए थे। तो गाइस, नई भर्ती में जितना ज्यादा लेट लतीफी होगी, उतना ही फायदा 2019 बैच के छात्रों को मिलेगा, और दोस्तों जितने बच्चों की बैक या फेल छात्र हैं 17 बैच 18 बैच के, उनको फायदा मिलेगा। अगर एक बार नई भर्ती का विज्ञापन आ जाता तो ये मान के चलिए कम से कम आप लोग 6 साल तक नौकरी ना पा पाते, क्योंकि दोस्तों नई भर्ती आती तो 3 साल उसको पूरा होने में लगता, उसके बाद जब नई भर्ती का विज्ञापन आता जो भी होता तब भी उसके बाद भी तो 3 साल लगता ना आपको नियुक्ति पत्र मिलने तक, तो 6 साल का समय तो आप समझ गए होंगे कि कैसे लगता। तो ये दोस्तों बड़ी खुशखबरी है। आप चलिए पढ़ाई की बातें हो जाए। जी हाँ दोस्तों, फेल छात्र कैसे करें तैयारी। जी हाँ, देखिए 72,000 से ज्यादा बच्चों की बैक सेकंड सेमेस्टर में है। उसके बाद देखिए एक बात और आपको बता दें, 96,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी भैया कोई बैक नहीं है और जिन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। एक और दोस्त यहाँ पर सवाल उठता है कि जो प्रमोट किया जाएगा उसके बाद जो हमारा फोर्थ का पेपर होगा, तो क्या उसमें 18 बैच के छात्रों को मौका मिलेगा, 17 बैच के छात्रों को मौका मिलेगा? तो दोस्तों डेफिनेटली यस, सभी बच्चों को मौका दिया जाएगा फोर्थ का जो पेपर अगर होता है तो, ठीक है। और आपको बता दें, क्या सितंबर में सभी सेमेस्टर का पेपर होगा? तो गाइस, उम्मीद अभी ऐसी ही होनी चाहिए कि यार सभी सेमेस्टर का पेपर PNP कराए, ताकि देखिए भाई DLED 2017 बैच के छात्र भी बैठे हैं, 18 बैच के छात्र भी बैठे हैं। और एक बात और आपको बता दें, BTC का नाम तो आपने सुना ही था, जो पहले हमारा नाम था DLED का, 2015 बैच के छात्र भी कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जिनको अपना थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर पेपर देना होगा, ठीक है। तो गाइस, जो हमारा भी पेपर होगा ये मान के चलिएगा सभी सेमेस्टर का एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है। मतलब पहला भी होना चाहिए, दूसरा भी होना चाहिए, तीसरा भी होना चाहिए, चौथा भी होना चाहिए। लेकिन पहले दोस्तों अपडेट ये निकल कर आई थी कि दूसरा सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर का पेपर कराया जाएगा। वो क्यों होगा दोस्तों? DLED 2019 बैच के कारण होगा, क्योंकि 19 बैच में जिन बच्चों की भाई बैक लगी है वो पहले सेकंड का पेपर देंगे। लेकिन एक बात और थी, अगर दोस्तों फोर्थ का भी पेपर अगले महीने हो जाएगा तो फिर यही होगा कि जो बच्चे पास हो जाएंगे वो बच्चे खास हो जाएंगे। मतलब इन बच्चों का दोस्तों DLED 2019 बैच पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब चारों सेमेस्टर कंफर्म माने जाएंगे। देखिए पहले में हम प्रमोट किए जा चुके हैं, थर्ड में प्रमोट हो गए हैं, और सेकंड का दोस्तों हमने पेपर दे चुके हैं, फोर्थ का पेपर देना है। फोर्थ के बेसिस पर दोस्त हमारा थर्ड का रिजल्ट आएगा, सेकंड के बेसिस पर हमारा फर्स्ट का रिजल्ट आया। ये दोस्त हमारा रिजल्ट का प्रोसेस था, लेकिन इस बार बैक पेपर छात्रों को प्रमोट किया जा सकता था लेकिन किया नहीं गया। और पूरी उम्मीद दोस्तों ऐसी है कि हमारा 30 अगस्त तक हर हालत में हमारी डेट शीट जारी कर दी जाएगी। अगर जारी नहीं होती तो उसके बाद हो सकता है कि एक बार और हमें धरना करना पड़े। और एक बात और आपको बता दें, कोरोना केसेस की बात, लेकिन एक अपडेट पेट को लेकर है। कल होनी है UPPET परीक्षा। UP SSSC ने 11 जिलों के इन परीक्षा केंद्रों में किया बदलाव। नया एडमिट कार्ड भी दोस्तों जारी किया गया। अगर अभी तक दोस्तों आपने PET का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो हमने कमेंट बॉक्स में देखिए लिंक दे रखा है, एक बार दोस्तों आप लोग फिर से चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपके जिले में नया एडमिट कार्ड जारी तो नहीं हुआ है। उसका मतलब दोस्तों ये होता है कि नया एडमिट कार्ड से क्या हुआ ना, कि आपका जो परीक्षा केंद्र था वो बदल गया। तो एक बार दोस्तों डाउनलोड करना बेहद जरूरी है आप सभी छात्रों के लिए। तो हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, उससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर की दोस्तों जरूरत पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो दोस्तों वहां पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी आता है, वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो, और ये डालना मेल है या फीमेल, ठीक है। बाकी जो कैप्चर आता है उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए सवाल क्या था कि चतुर्थ सेमेस्टर में कौन से विषय में लगती है अधिक बैक। देखिए आपको पहले बता दें, जो बच्चे दोस्तों अभी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करेंगे, ठीक है, DLED सेकंड सेमेस्टर, तो गाइस आपको बता दें जो बच्चे बैक पेपर वाले हैं, चाहे देखिए एक चीज याद रखिएगा, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर का पेपर दें चाहे अभी फोर्थ का पेपर हो उसका, दोनों में दोस्तों एक चीज कन्फर्म है कि जो बैक आपकी लगेगी वो मैथ में लग सकती है। होता क्या है दोस्तों, हमारा जो गणित का पेपर होता है वो सिर्फ 1 घंटे का पेपर होता है। अब 1 घंटे का पेपर में दोस्तों बच्चे ज़्यादातर जो आपके एग्जामिनर होते हैं ना क्लास वाले, वो आपको 1 घंटे का समय भी तो नहीं देते। मैक्सिमम जो आपको समय मिलता होगा वहाँ पर 45 मिनट का,
क्योंकि दोस्तों 15 मिनट में आप कॉपी भी भरते होंगे, नाम वाम भरना होता है ना, जो भी दोस्तों प्रोसेस है, और उसके बाद कॉपी बटने में कभी कभी 5 मिनट डिले लेट कर दिया जाता है, या कहीं ना कहीं और लेट लेती फिर हो जाती है डिस्टर्बेंस। दोस्तों ये मान के चलिएगा आपको समय जो मिलता है एक्चुअल में वो 45 मिनट ही मिल पाता है। अगर आप एक कमजोर छात्र है तो एक चीज़ जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है, जरा सभी बच्चे ध्यान दें। अगर आप दोस्तों गणित आपकी बहुत ही ज़्यादा वीक है तो पहले 5 क्वेश्चन हमारे होते हैं बहुविकल्पीय, 6 होते हैं दोस्तों हमारे अति लघु उत्तरी, और ठीक है बाकी 7 क्वेश्चन होते हैं लघु उत्तरी, 7 का मतलब 14 नंबर का, ठीक है, 6, 5, 11 और 11, 14, 25। एक बार दोस्तों ध्यान रखिए पहले 5 नंबर के जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, देखिए अक्सर क्या होता है डीएलएड का आप जहां पर भी पेपर देते होंगे कम से कम आप बहुविकल्पीय के क्वेश्चन मिला लेते होंगे अपने दोस्तों से, इतनी नकल देखिए हर जगह हो जाती है, ठीक है। देखिए रियलिटी में आपको जीना, ये मत कहिए कि हमारे नकल नहीं होती, अगर होती है तो आप एक काम करिएगा सीधे दोस्तों लघु उत्तरी क्वेश्चन से सॉल्व शुरुआत करिएगा। अगर आपने 4 लघु उत्तरी क्वेश्चन को सही कर लिया तो मतलब 8 नंबर आपके लघु उत्तरी से बन जाएंगे, 5 नंबर अगर दोस्तों आपके बहुविकल्पी से बन गए तो 8, 5 हो गया हमारा 13 नंबर, पास होने के लिए हमें चाहिए होता है 12 नंबर। सबसे आसान तरीका यही है। देखिए पेपर कठिन कैसे बनता है आपको बता दें, पेपर कठिन का मतलब होता है कि पेपर को लेंथी बना दिया जाए, जो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर हमें 2 लाइन में मिल सकता है उसी क्वेश्चन का आंसर ये एक एक पेज में कर देंगे, ठीक है। तो फिर आपसे गलती क्या होती है कि आप लोग अति लघु उत्तरी क्वेश्चन के पीछे पड़ते हैं, 6 क्वेश्चन अति लघु उत्तरी क्या थे मान लेते हैं, 1 अति लघु उत्तरी क्वेश्चन जो है वो भैया 1 पेज का आ रहा है, और दोस्तों हमारा लघु उत्तरी क्वेश्चन जो 2 नंबर का है वो भी 1 पेज का है, तो क्या फायदा होगा आपको लघु उत्तरी करने में ना, इस बात का जरा ध्यान रखना है, ठीक है। ये गलती आपने पिछली बार की थी, पेपर लेंथी हो गया था। हाँ कुछ चीजें आप जरा ध्यान रखा करिए, जब देखिए जो बच्चे कमजोर है गणित में वो कभी सीरियल से क्वेश्चन लगाने की कोशिश मत करिएगा आप लोग। अगर आपको समझ में आ रहा है कि यार पहले हमें 6ठा लघु उत्तरी क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद 9वां, ठीक है अति लघु उत्तरी मतलब 6ठा भी अति लघु उत्तरी होगा, 6ठा अति लघु उत्तरी क्वेश्चन आ रहा है, 9वां अति लघु उत्तरी आ रहा है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको लगता है अरे यार 13वां क्वेश्चन भी हमें आता है जो कि लघु उत्तरी का है, मतलब जो जो क्वेश्चन आते हैं पहले दोस्तों आप उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो बच्चे टॉपर होते हैं वो तो भाई सीरियल से लगाते चलते कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये तो पहले बहुविकल्पीय हो गया 6ठा 7वां करके, ठीक है वो बच्चे सीरियल से लगा सकते हैं, जिनका भैया मैथ अच्छी है, और जिन बच्चों की मैथ कमजोर है वो क्या करेंगे, वो पहले अपने मतलब वो क्वेश्चन को दोस्तों सिलेक्ट करेंगे जो क्वेश्चन उनको आता है, ठीक है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन करने का प्रयास आप मत ही करिए तो सही है, क्योंकि अगर आपके दोस्त सहयोग कर देंगे तो 5 नंबर तो भाई उधर से आपको मिल जाएगा, और उसमें आपका समय भी खर्च नहीं होगा। अगर नकल हो गई आप यहाँ देखिए इतनी हो जाती है अक्सर देखा जाता है डीएलएड में, तो उसका फायदा उठा सकते हैं, नहीं तो फिर वही होगा कि आप 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में आप कितना समय अपना बर्बाद कर सकते हैं, आपको पता है 5 जो बच्चे कमजोर होते हैं गणित में ना, तो उनको 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन करने के लिए कम से कम 15 मिनट का समय लग जाता है, तो बताइए 15 मिनट की अगर आपकी बचत होगी तो ये फायदा है ना आपके लिए। तो गाइस ऐसे ही टाइम की बचत आपको करना है, देखिए टाइम मैनेजमेंट मैथ में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने मैथ का पेपर क्लियर कर लिया, चाहे सेकंड सेमेस्टर का हो, चाहे चतुर्थ का हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फर्स्ट, फिर दोस्तों आप डीएलएड में फेल जल्दी नहीं हो सकते, बाकी किस्मत खराब है तो आप हिंदी में भी फेल हो सकते, जो कि इस बार देखने को मिला 2019 बैच में स्पेशली, ठीक है। तो गाइस बैक और पास वाले छात्रों की जो लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया पर, तो वो तो देखिए चलती रहेगी, क्योंकि जो बच्चे पास हो गए हैं अब वो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर की डिमांड कर रहे हैं कि हमारा फोर्थ का पेपर जल्दी से जल्दी हो, लेकिन बैक प्रशिक्षुओं का कहना यह है कि पहले हमारा सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, बैक परीक्षा करा लिया जाए, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा प्रमोट वाला जो भी मैटर हो, उसके बाद सभी बच्चों का पेपर एक साथ फोर्थ का होता तब बढ़िया रहता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। देखिए गाइस अभी तक एक बात कन्फर्म ये नहीं कर रहे हैं कि अगले महीने ये थर्ड सेमेस्टर का पेपर कराएंगे कि नहीं, ठीक है। पिछली बार दोस्तों जो 2018 बैच का नियम आया था आपको बता दें, ठीक है, ये नियम हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि बाद में अगर कुछ ऐसा हो तो आप लोग तैयार रहें, नहीं तो फिर बाद में आप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। पिछली बार का दोस्तों ये नियम था 2018 बैच का, प्रमोट का जरा नियम समझ लीजिए 2018 बैच, ठीक है। प्रमोट का नियम ये था कि पहला सेमेस्टर प्लस दूसरा सेमेस्टर जो जो बच्चे पास थे उन बच्चों को थर्ड में प्रमोट कर दिया गया, फिर उनका फोर्थ का पेपर लिया गया, लेकिन उन बच्चों का फोर्थ सेमेस्टर का पेपर तभी हुआ जब उन बच्चों का थर्ड का रिजल्ट आ चुका था। लेकिन 2019 बैच इस बार हमारा नियम क्या है कि हमारा जब फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हो जाएगा जो रिजल्ट आएगा उसी के हिसाब से हमारा थर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ये रिजल्ट का मैटर आप समझ चुके हैं। एक और दोस्तों बात आपको यहाँ पर समझने वाली है, ठीक है, रिजल्ट का मैटर तो पहले आप आसानी से समझ गए, और दूसरा देखिए बात क्या है कि जिन बच्चों की बैक लगी है, जी हाँ दोस्तों बैक प्रशिक्षु का कन्फर्म ये पीएनपी वाले नहीं कर रहे हैं। अगर मान लेते दोस्तों 72,000 प्रशिक्षु ऐसे जिनकी बैक लगी है, तो क्या सितंबर में सिर्फ इन बच्चों का सेकंड का ही पेपर कराया जाएगा, क्या दोस्त इन बच्चों का थर्ड का पेपर नहीं कराएंगे, ये दोस्तों कन्फ्यूजन है।
उनका कहना ये है कि जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा पास करेंगे उनको हम थर्ड में प्रमोट कर देंगे, बाकी उन बच्चों का भी फोर्थ का पेपर होगा। लेकिन दोस्त ऐसा कोई लिखित आश्वासन नहीं है, तो पीएनपी से ज़्यादा उम्मीदें करना ये ज़्यादा गलत हो सकता है, इस बात का जरा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों जब तक डेट शीट नहीं आती तब तक कुछ कन्फर्म नहीं होने वाला। और एग्जामिनेशन फॉर्म, जी हाँ दोस्तों एक बात और आपको बताते हैं, अगर आपने थर्ड सेमेस्टर प्रमोट कर लिया है तो उसकी जो फीस आपको देनी है वो 400 रुपये देनी है, ठीक है। हमने आपको बता दिया, लेकिन आपके सामने हमने देखिए कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे नोटिस का, उसको जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन देखिए प्राइवेट कॉलेज वाले उनको मनमानी कर दी है, आप कुछ कर तो वैसे पाएंगे नहीं, लेकिन जो सही है वो बातें जानना भी आपके लिए ज़रूरी है कि आपके कॉलेज वाले आपसे कितना पैसा लूट रहे हैं, ताकि जो नया एडमिशन हो रहा है कम से कम आप बच्चों को बता दें कि इस कॉलेज में एडमिशन बिल्कुल मत लेना, ये कॉलेज बिल्कुल चोर है, लूट लेता है बच्चों को, ठीक है। इसीलिए दोस्तों बता रहे हैं, 24 घंटे में दोस्तों हमारे देश में 25,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए, 385 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और अमेरिका की बात करें तो 30,000 से ज़्यादा मामले, ठीक है। तो गाइस कोरोना खत्म होने का नाम तो फिलहाल हमारे देश में अभी नहीं ले रहा है। बाकी अगर यूके की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ देखने को मिले, 32,000 से ज़्यादा मामले, ठीक है। कोरोना की दोस्तों बातें इसलिए हो जाया करती है ना ताकि पेपर हमारा जल्दी हो जाए, नहीं तो कोरोना के केसेस फिर बढ़ने लग गए तो सब कुछ रुक जाएगा। बाकी दोस्तों जो अपडेट आएगी 17 बैच 18 19 बैच की, वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों एक अच्छी खबर हमने जो बताई थी कि आपकी जो नई शिक्षक भर्ती है और यूपी टेट दोनों का आता पता नहीं, फिलहाल आप लोग डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। नहीं तो अभी क्या था कि यूपी टेट का पेपर अक्टूबर में होने वाला था तो बच्चे ज़्यादा डर गए थे कि यार कैसे तैयारी हो पाएगी, समय कम था। लेकिन अब उम्मीद दोस्तों यही कि हमारा जो यूपी टेट का पेपर है वो दिसंबर तक हो सकता है, और कल 24 तारीख को पेट का एग्जाम है, इसलिए दोस्तों देख रहे होंगे आप लोग नई भर्ती को लेकर ज़्यादा धरना या सोशल मीडिया पर बवाल नहीं चल रहा है, ठीक है। बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, बाकी जो भी दोस्तों अपडेट निकल कर आएंगे अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। और आपको बता दें जैसे आगे लेखपाल कुछ और वैकेंसियाँ जो आएंगी ग्रुप सी के अंतर्गत, ठीक है, अगर आप उसमें आवेदन करना चाहते हैं तो भैया पेट परीक्षा पास करना बेहद ज़रूरी है, जैसे बिना टेट के शिक्षक भर्ती में मौका पाना मुश्किल है, वैसे बिना पेट के अब ग्रुप सी के वैकेंसी में मौका आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मुश्किल की बात नहीं है, आपको मौका ही नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात यहाँ पर ये है। अगर अभी तक आपने अपना द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया तो हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, जेके काफी कॉलेज में भाई प्रमोट के लिए आपका रिजल्ट मांगा जा रहा है, तो इसलिए आप यहाँ से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।